मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया, तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांग ना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिर्मिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम पांच चीजें पैदा करो अपने अंदर। एक तो ये देखो, जब रब की याद होती है तो दिल डरता है कि नहीं? कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान मजबूत होता है कि नहीं? तुम्हारा रब पर भरोसा कितना है, एतमादे खालिक कितना है, ये अपने अंदर पैदा करो। और फरमाया, नमाज कायम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तुम ये पांच चीजें पैदा करो। रब कहता है, मोमिन भी तुम पक्के हो, दर्जे भी बड़े दूंगा, जो खताएं गलती से हो गई वो माफ भी कर दूंगा, पर रिज़्कुन करीम, रोजी मिलेगी इज्जत वाली। कभी पलट के देखो ना रब के बंदों की शान, अल्लाह उन्हें रिज़्क अता फरमाता है तो इज्जत वाला अता फरमाता, वकार वाली रोजी मैं दूंगा, वकार वाली। पर तुम ये पांच चीजें पैदा करो अपने।